साथियों अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्रा की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्रा, अकाउंट नंबर है 2233009468935। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद 0 है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224@paytm पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत। फेसबुक और बीजेपी की मिलीभगत पर बड़ा खुलासा। बीजेपी नेताओं पर मेहरबान क्यों है फेसबुक? फेसबुक और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की मिलीभगत के बारे में एक बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फेसबुक ने जानबूझकर बीजेपी नेताओं की भड़काऊ और हिंसक पोस्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की। रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक ने एक तरह से बीजेपी नेताओं को जी भरकर जहरीली पोस्ट लिखने और शेयर करने की खुली छूट दे रखी थी। फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर देखकर किसी को यही लगेगा कि दोनों में कितना याराना है। वैसे याराना काफी पक्का है, क्योंकि तभी तो जकरबर्ग ने पीएम मोदी की पार्टी के नेताओं को फेसबुक पर कुछ भी लिखने की छूट दे रखी है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 14 अगस्त को एक रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फेसबुक ने जानबूझकर मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट लिखने वाले बीजेपी नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की। फेसबुक के मौजूदा कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों के हवाले से लिखा गया है। फेसबुक की पब्लिक पॉलिसी एग्जीक्यूटिव अंकी दास ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करने से मना कर दिया था, रिपोर्ट में लिखा है। फेसबुक की टॉप पॉलिसी एग्जीक्यूटिव अंकी दास ने तेलंगाना से बीजेपी विधायक राजा सिंह और कम से कम 3 अन्य हिंदू राष्ट्रवादी लोगों और ग्रुप्स पर भड़काऊ और हिंसक कंटेंट शेयर करने पर कार्रवाई करने से मना कर दिया था। राजा सिंह ने मुस्लिम रोहिंग्या शरणार्थियों को गोली मारने की बात अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखी थी, जिसे फेसबुक कर्मचारियों ने हेट स्पीच का दोषी पाया और अकाउंट को सस्पेंड करने की सिफारिश की, लेकिन अंकी दास ने ऐसा करने से मना कर दिया। यानी अंकी दास ने मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने को एक तरह से बढ़ावा दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अंकी दास ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी के साथ रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहती थी। अंकी दास का काम फेसबुक की ओर से भारत सरकार के लिए लॉबी करना भी है। एक गुमनाम फेसबुक कर्मचारी के हवाले से कहा गया है कि अंकी दास ने कहा कि पीएम मोदी की पार्टी के नेताओं के अकाउंट पर कार्रवाई करने से कंपनी का भारत में बिजनेस कम हो सकता है। यानी अंकी दास ने अपनी ही कंपनी की उन नीतियों का उल्लंघन किया जो फेसबुक पर हेट स्पीच या किसी भी तरह के भड़काऊ कंटेंट को शेयर करने से मना करती है। आइए आपको फेसबुक की हेट कंटेंट पॉलिसी भी समझाते हैं। फेसबुक ने अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस में 12वें नंबर पर हेट स्पीच का जिक्र किया है। फेसबुक लिखता है, हम फेसबुक पर हेट स्पीच की इजाजत नहीं देते क्योंकि इससे भय का माहौल पैदा होता है और हिंसा भड़क सकती है। हम हेट स्पीच को नस्ल, राष्ट्रीय पहचान, धर्म, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जाति, सेक्स और शारीरिक अक्षमताओं पर सीधे हमले के तौर पर परिभाषित करते हैं। लेकिन फेसबुक ने बीजेपी नेता कपिल मिश्रा से लेकर राजा सिंह तक किसी पर भी अपनी हेट स्पीच गाइडलाइंस के तहत कार्रवाई नहीं की, जबकि फेसबुक पर ऐसे तमाम लोग और ग्रुप्स हैं जो खुलेआम एक समुदाय के खिलाफ जहर उगलते हैं। तेलंगाना में बीजेपी के इकलौते विधायक राजा सिंह भी खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। मुसलमानों को गद्दार और पाकिस्तानी कहने जैसे उनके कई बयान सामने आ चुके हैं। हमने फेसबुक पर उनकी टाइमलाइन खंगाली तो अयोध्या के बाद मथुरा में कृष्ण मंदिर बनाने का ऐलान करने और हिंदू को जगाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे जैसी पोस्ट की भरमार दिखी। कुल 1,23,496 फॉलोअर्स वाले राजा सिंह खुलेआम अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान करते दिखे। अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए जो नौजवानों को जो जोड़ने का कार्य था वो निरंतरन चालू है। आज का जो हिंदू है वो बहुत ही आलसी होते जा रहा है। अगर खाना है तो ऑनलाइन मंगा लो, पीना है कुछ ऑनलाइन मंगा लो, कुछ करना है ऑनलाइन मंगा लो। इस प्रकार से आज का हिंदू बहुत ही आलसी होते जा रहा है। हाल ही में कुछ बाहर ऐसे ऐसे केसेस सामने आए
कि कोई भी हिंदू अगर खाने पीने के लिए ऑनलाइन अगर बुक करता है, खाने लाने वाला जो टोपी वाला होता है, वो लांडा होता है, वो जैसे ही देखता है कि ये तो हिंदू के घर ऑर्डर जा रहा है, तो उस खाने में कुछ ऐसा जहरीला पदार्थ मिलाता है जिसके कारण बच्चा पैदा करने की शक्ति हिंदुओं में कम होती जाती है। राजा सिंह के ऐसे बयानों पर कार्रवाई ना करने का ऑर्डर देने वाली फेसबुक की टॉप एग्जीक्यूटिव अंकी दास और उनकी बहन के बीजेपी से रिश्तों पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आरटीआई एक्टिविस्ट अंकित गोखले ने अंकी दास और उनकी बहन रश्मि दास के बारे में ट्विटर पर एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने लिखा, बड़ा खुलासा, फेसबुक के अंकी दास और बीजेपी के बीच कनेक्शन। अंकी दास ने वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड यूथ के सत्र में हिस्सा लिया था, जिसका संचालन अंकी दास की बहन रश्मि दास ने किया था। हैरानी की बात यह है कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड यूथ का दफ्तर 26 डीडीयू मार्ग दिल्ली की उसी जगह से चलता है जहां आरएसएस के राष्ट्रीय कला मंच का भी दफ्तर है। संकेत गोखले ने आईटी मामलों की संसदीय समिति के चेयरमैन कांग्रेस सांसद शशि थरूर को चिट्ठी लिखकर इस बारे में जांच करने की अपील की है, जिस पर शशि थरूर ने मामला उठाने की बात कही है। विवाद बढ़ने के बाद फेसबुक सफाई देता फिर रहा है कि हम किसी को भी फेवर नहीं करते, लेकिन जरा सी बात पर आपकी पोस्ट को कम्युनिटी गाइडलाइंस उल्लंघन का हवाला देकर हटा देने वाला फेसबुक सत्ताधारी बीजेपी के नेताओं के हिंसक और भड़काऊ पोस्ट को नहीं हटाता। सोशल मीडिया आज एक ताकतवर माध्यम है जो न सिर्फ आपकी सोच को प्रभावित करता है बल्कि आपके ओपिनियन मेकर की भूमिका भी निभाता है। वहीं इन मीडियम्स के जरिए फेक न्यूज और हेट स्पीच कई लोगों की मॉब लिंचिंग का कारण भी बनी है। ऐसे में फेसबुक की ओर से सत्ताधारी पार्टी को यूं स्पेशल ट्रीटमेंट देना कई बड़े सवाल खड़े करता है। ये मामला बहुत गंभीर है, इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच जरूर होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र और बेल आइकन दबाना ना भूलें।